जैन वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी अपने एयरफोर्स के इंटेक 02-2025 की प्रिपरेशन में अस्त व्यस्त और मस्त होंगे। वॉरियर्स, आप सभी का जो पेपर है वो स्टार्ट होना है 18 अक्टूबर से, तो आपके पास में टाइम बच गया है कम, तो इस बचे हुए टाइम में आपके पास में प्रिपरेशन के लिए क्या एक रोडमैप होना चाहिए ताकि आप इस बार सिलेक्शन के अपने सपने को साकार कर पाए। इसलिए मेरे भाई, इस वीडियो में जो हम लोग रोडमैप तैयार करने वाले आपके सिलेक्शन के लिए, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली ये जो रोडमैप है भाई, आपको जो है बेलगाम तक का सफर तय कराएगा। बच्चे, आपके बदन पर जो है यूनिफॉर्म सजाने वाला है। तो सबसे पहले बच्चे बात करें आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। देखिए, आपके जो आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं चाहे वाई ग्रुप की, आपको सब्जेक्ट हर एक बच्चे को पता है। एक्स ग्रुप में आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आना है और वाई ग्रुप में आपका इंग्लिश और रागा वाला पोर्शन आना है। तो सबसे पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट थिंग, इंग्लिश की वीडियो मैंने बना रखी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चे आइडेंटिफाई करने के बाद में उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट कितने हैं? जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में लेट्स से टॉपिक है टेंस। टेंस बच्चा हायर एग्जाम सीजीएल वगैरह में भी आप देखते हैं, टेंस आपके एयरफोर्स के पेपर में भी आ रहा है। तो आपको पहले ये देखना है कि टेंस आपके पेपर के लेवल का कितना है, आपको उसी लेवल तक के कॉन्सेप्ट अपने तैयार करने हैं बच्चे बेहतरीन तरीके से। उसके बाद जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके बाद बच्चे उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, यानी आपके प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको पढ़ के आप पीवाईक्यू अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। एंड लास्ट थिंग, ये सब कुछ करने के बाद में बच्चे आपको फाइनली लगाने हैं आपके मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आप गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। आप क्वेश्चन तो सही कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन किसी क्वेश्चन को सोल्व करने में 5 मिनट लगा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं है। बिकॉज इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में ही सोल्व करने हैं, तो गिवन टाइम में विद एक्यूरेसी आप कैसे सोल्व कर पाएंगे, वो चीज बच्चा फाइनली आपको सिखाता है मॉक टेस्ट। तो अगर आपने ये चार चीजें अगर फॉलो की सिक्वेंस वाइज, तो मेरे भाई इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इन चारों चीज के लिए राइटिंग तुम थोड़ा पैनिक में भी आओगे, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता करें, कॉन्सेप्ट कितना पढ़ना है हमें, प्रैक्टिस कितनी करें, पीवाईक्यू कहां से मिलेंगे, मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, तो तुम्हारे इन सभी सवालों का जवाब भी है हमारे पास भाई। अब बढ़िया तरीके से बच्चे, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं एयरफोर्स के इनटेक 02-2025 की, तो बच्चे बेहतरीन दमदार तैयारी करने के लिए आप जुड़ सकते हैं अपने वरदान बैच में। चाहे आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे वाई ग्रुप, चाहे एक्स वाई, दोनों ग्रुप की वरदान बैच आपको कहां पे मिलेगा? अपने उत्कर्ष क्लासेस के एप्लीकेशन पे आपको वरदान बैच मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, अगर अभी आप वरदान बैच में एनरोल करते हैं, अभी बच्चे अगर वरदान बैच में एनरोल करते हैं, तो उत्कर्ष लेके आए आप सभी के लिए शिक्षा महोत्सव 13 से लेके 21 अगस्त तक। उत्कर्ष ऐप के डिफेंस के अपने जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सब पे आपको यहां पे 3 गुना खुशियां मिल रही हैं। कैसे? किसी भी कोर्स में आप एनरोल करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे बच्चा भी है तो उसके इस उपलक्ष्य में आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ 13 तारीख को हमारे निर्मल सर का बर्थडे था, तो निर्मल सर ने अपने बर्थडे के दिन तुम्हारे गिफ्ट दिया क्या, आपके जो भी कोर्स में बच्चे आप एनरोल करेंगे, एनरोल करते टाइम अगर आपने कूपन कोड लगाया NG13 तो आपको यहां पे एडिशनल 13% डिस्काउंट और मिल जाएगा। क्लियर? और प्लस में यहां पे अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स में आपको मिलने वाले हैं। रक्षाबंधन जो आ रहा है तो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अगर आगे किसी कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपके लिए वहां पे वो हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बढ़िया से बच्चा बेहतरीन तरीके से वरदान बैच में जुड़ के आप अपनी जो है अल्टीमेट सी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सिलेक्शन का जो रोड मैप है ये कंप्लीट आपको जो है इस वरदान बैच में मिलने वाला है। क्लियर है सभी बच्चों को बात? तो उम्मीद है कि सभी बच्चे रोड मैप को जरूर फॉलो करेंगे और इस बार जो है अपने बदन पे ब्लू यूनिफॉर्म पहनने का मेरे भाई जो तुमने सपना देखा है उसको सारे के सारे चीता साकार करके जरूर दिखाएंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि सर हाँ इस बार तो यूनिफॉर्म पहन के दिखाएंगे, पेपर क्लियर करके दिखाएंगे, वो सभी बच्चे इस वीडियो का एंड होते ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, कल द टाइम। जय हिंद।